राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किसान डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मेधावी छात्रों को किया गया साइकिल का वितरण। जनप्रतिनिधियों ने किया प्रतिभाग। बस्ती जिले के अमहट पुल से युवती ने लगाई छलांग। सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। युवती की खोज के लिए गोताखोरों को बुलाया। फर्जी अंकपत्र के सहारे नौकरी कर रहे अध्यापक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूरे प्रदेश में शिक्षक भर्ती मामले की एसटीएफ कर रही जांच। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती व बस्ती सदर विधायक दयाराम चौधरी के जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। दर्जनों लोगों ने किया रक्तदान। पुसौरा बाजार से पुलिस ने एक युवक को देसी कट्टा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महिला थाना अध्यक्ष शीला यादव ने आपसी मनमुटाव के चलते अलग रह रहे पति पत्नी के बीच मनमुटाव दूर कर फिर से मिलाया। छावनी थाने के डुहवा मिस्त्र में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चस्पा किया कुर्की का आदेश। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुमन सिंह ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर युवाओं के साथ की चर्चा। कोरोना काल में बस्ती जिले में जनपद वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सीएमओ को डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी व राजेश चौधरी ने किया सम्मानित। कायस्थ सेवा ट्रस्ट एवं चित्रगुप्त के तत्वाधान में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। लोगों ने किया नमन।